दीपांजलि मोइत्रा। कश्मीर को आतंक मुक्त बनाना मोदी सरकार की पहली प्राथमिकता है और इसके लिए सरकार लगातार ठोस कदम उठाती रही है। पाकिस्तान पर प्रहार और एयर स्ट्राइक के बाद अब सरकार ने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यानी JKLF को आतंक विरोधी कानून के तहत बैन कर दिया है। केंद्र का ये फैसला अलगाववादियों पर बड़ी कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है। बता दें कि अलगाववादी नेता यासीन मलिक JKLF यानी जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के प्रमुख हैं। JKLF पर काफी पहले से आतंकी गतिविधियों को समर्थन करने का आरोप लगता रहा है। प्रवर्तन निदेशालय भी इस सिलसिले में पिछले कई दिनों से जम्मू कश्मीर में छापेमारी भी कर रही थी। इस कड़ी में ईडी ने यासीन मलिक के कई ठिकानों पर भी छापेमारी की। यासीन मलिक को लेकर आरोप तो काफी पहले से लगते रहे हैं, लेकिन इस तरीके की कार्रवाई पहली बार की गई है। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि मोदी सरकार की ओर से ये एक बड़ी कार्रवाई है। इससे पहले जम्मू कश्मीर में अलगाववादियों पर व्यापक कार्रवाई के संकेत 22 फरवरी को देखने को मिले थे, जब यासीन मलिक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। इसके साथ ही जमाते इस्लामी के 12 नेताओं को भी गिरफ्तार किया गया था। इसे लेकर जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर गिरफ्तारी पर विरोध भी जताया। अब जब JKLF पर प्रतिबंध लगाया गया है, उसके बाद निश्चित तौर पर कश्मीर की सियासत बदलेगी और BJP की आतंक विरोधी राजनीति को बल मिलेगा।